हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी रिटन एग्जाम में पास होकर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू का दौर शुरू हो चुका है। साक्षात्कार के जो दौर शुरू हो गए हैं पिछले हफ्ते से, उनमें कुछ प्रश्नों के रुझान भी आने चालू हो गए हैं। तो ये सैंपल सर्वे के आधार पर मैं यहाँ पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूँगा, जो जिसके रुझान साक्षात्कार में कुछ साथियों द्वारा दिए गए हैं कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन सवालों पर चर्चा करेंगे कि पिछले दिनों जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें कैसे प्रश्न इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जा रहे हैं और किस तरह से इंटरव्यू चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ज़िंदगी है तो मंजिल भी है, और मंजिल है तो पड़ाव भी है, और पड़ाव भी है तो चुनौती भी है, और चुनौती भी है तो संघर्ष भी है, और साथ ही साथ इस संघर्ष का सामना करके आप उस मंजिल को पा सकते हैं, क्योंकि चलते रहना, गतिशील रहना मंजिल के पाने के बराबर है। जी हाँ, मंजिल तक जाना है तो हमको गतिशील होना पड़ेगा। तो इसी तारतम्य में एक पड़ाव है साक्षात्कार का, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार में जो प्रश्नों के रुझान आए हैं, शुरुआती रुझान आए हैं तो सैंपल सर्वे के मुताबिक, तो कैसे कैसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं पिछले हफ्ते। ये जो वीडियो है उन साथियों को काफ़ी मददगार होगा जो बैंक में काम करते हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं। ये स्केल 1 to 2, 2 to 3 तक के प्रश्नों के रुझान यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बात यहाँ पर पूछी जा रही है, प्राय पहला जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछी जा रही है। पहला जो रुझान ऐसा आ रहा है कि सबसे पहले पूछे जा रहे हैं कि आपके बारे में बताइए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए कि आप कहाँ कहाँ काम किए, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में महारत हासिल किए हैं। तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, फिर सवाल उससे क्रिएट होते हैं। दूसरा, आपके जो डेस्क जो जॉब है, आपका जॉब प्रोफाइल, कि आप क्या प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं उस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर ब्रांच मैनेजर हैं आप तो उसके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जॉब प्रोफाइल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तीसरी बात, आपके उस ब्रांच के बारे में, ब्रांच के बिजनेस के बारे में पूछे जा रहे हैं सवाल कि बताइए आपका कासा कितना है, करंट अकाउंट कितना है, सेविंग अकाउंट कितना है। तो ये तीन तो कॉमन सवाल जो कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अभी Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है Q3 का, तो इसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताइए Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इस रिजल्ट के मुताबिक आपके बैलेंस शीट में क्या अच्छा है, आपके किस बिजनेस फिगर में अच्छा ही है, आपकी क्या क्या अच्छा रिजल्ट निकला है। तो ये Q3 के रिजल्ट में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अभी आपको पूछा जा रहा है सवाल, जो इस रुझान के मुताबिक जो अभी रुझान आए हैं इंटरव्यू के, इसमें पूछे जा रहे हैं सवाल कि बताइए कि बैलेंस शीट क्या है, व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूछा जा रहा है, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के बारे में क्या जानते हो। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो बैलेंस शीट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो टॉपिक आपको मिल रहा है इस पर आप तैयारी कर लीजिएगा, और आने वाले, हो सकता है कल आपका इंटरव्यू हो, आने वाले हफ्ते में इंटरव्यू है, पूरा फरवरी इंटरव्यू का महीना है, तो आप इन पर तैयारी करके आप अपने आप को सक्षम तौर से उस प्रतिभागी के तौर पर जाइए जिसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। तो बैलेंस शीट पूछा जा रहा है, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है, वर्किंग कैपिटल का निर्धारण, कितनी विधियां हैं कि वर्किंग कैपिटल किस तरह से निकाला जाता है, तो ये चीजें पूछी जा रही हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं। साथ ही साथ पूछी जा रही हैं मुद्रा गारंटी क्या है, इसके बारे में पूछी जा रही है, मुद्रा गारंटी के बारे में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो CGTMSE के बारे में पूछा जा रहा है, CGTMSE कवरेज पूछा जा रहा है, CGTMSE के बारे में। अभी साथ ही साथ जो सवाल पूछे गए साथियों को, उनके रुझान के मुताबिक उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसको मिलेगा, इस स्कीम के बारे में क्या जानते हो। फिर आपकी जो नए प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, न्यू प्रोडक्ट उसके बारे में पूछा जा रहा है, न्यू प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस लोन क्या है, नया सेंट बिजनेस लोन क्या है, न्यू प्रोडक्ट के बारे में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ IBC के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, IBC क्या है, जिसको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बोलते हैं, IBC के बारे में पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट सरफेसी के बारे में पूछा जा रहा है, सरफेसी के बारे में पूछा जा रहा है, सरफेसी एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके क्या क्या कदम होते हैं, क्या क्या एक्शन लेते हैं सरफेसी में, किस तरह से इसके सेक्शन होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अभी पूछी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर साक्षात्कार के रुझानों की बात करें, अभी जो पिछले हफ्ते साक्षात्कार के रुझान हो रहे हैं, तो जिस सैंपल सर्वे हमको मिला है, जो जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ों पे तो पूछी जा चुकी हैं अभी पिछले हफ्ते। हो सकता है यही सवाल आपको भी पूछे जाएं, तो आपको एक तैयारी करने में मदद मिल जाएगी। तो इसमें पूछा जा रहा है एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में क्या जानते हो आप बताइए। एसेट क्लासिफिकेशन मतलब एनपीए, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, ये एसेट क्लासिफिकेशन है, जिसमें एसएमए भी आता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ पूछा जा रहा है कासा डिपॉजिट के बारे में पूछा जा रहा है कि कासा डिपॉजिट क्या है, इसकी महत्ता क्या है, क्यों कासा डिपॉजिट हमें ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, कासा के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बात पूछा जा रहा है मार्केटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, मार्केटिंग मार्केटिंग, और नेक्स्ट पूछा जा रहा है सेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपके कैपिटलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है, कैपिटलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कैपिटल का कितना महत्व है। साथ ही साथ मर्जर बैंक या एमलगमेशन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि बैंक एमलगमेशन है, आप क्या सोचते हैं। तो ये प्रारंभिक रुझानों के हिसाब से मैंने कुछ साथियों से बात की जिनका इंटरव्यू में साक्षात्कार हुआ है, तो उनमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और अनुमान के तौर पर देखा जाए तो 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक के इंटरव्यू हो रहे हैं, और उनका जो पूरा ड्यूरेशन है 5 से और 10 से, जैसा अनुमान भी हम लोग लगाए थे उसी हिसाब से इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये मुख्य मुख्य सवाल मैंने जो अभी रुझान के हिसाब से, प्रश्नों के रुझान आए हैं उनके हिसाब से हमने यहाँ पर डिस्कस की कि इन इन सवालों पर यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों को इंटरव्यू में। और सीधी सी बात है, क्यों ना पूछा जाए, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके जाइए, सेंस ऑफ ह्यूमर लेके जाइए, और उस माहौल में आप बेस्ट करके दिखाइए। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, प्रश्नों के जवाब आप कैसे देते हो ये ऊपर डिपेंड करेगा। और जिनका नहीं पता है तो आप सही तरीके से, बढ़िया तरीके से आप उसको बोलिए, सर मैं इसमें थोड़ा सा नहीं देख पाया हूँ या अभी नहीं बता पाऊँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस तरीके से जब आप जवाब देंगे, और ये मैंने कुछ रुझान बता दिए प्रश्नों की, आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। और एक और सवाल पूछा गया जिसमें सब्सिडी, एजुकेशन सब्सिडी के बारे में पूछा जा रहा है, एजुकेशन सब्सिडी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ तक मिलता है, सब्सिडी कैसे मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। और हो सकता है आप आने वाले हफ्ते या इसी हफ्ते आपका इंटरव्यू होगा, आप इन तमाम पहलुओं पे अगर थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार होकर जाएंगे, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। वैसे भी आप सफल होने के लिए ही जा रहे हैं, और जिस पद के लिए जा रहे हैं उसके लिए हमारी असीम शुभकामनाएं, आप सफल होकर आइए, यही मेरी शुभेच्छा है और शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियो है मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच।